सरसों की तेजी कब तक जो के भाव एवं मार्केट तेजी मंदी रिपोर्ट नमस्कार किसान साथियों स्वागत है एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम सरसों और जो के भावों के बारे में बताएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप एग्री प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों सरकार ने चाहे कोशिश की हो या नहीं लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान की इन दिनों चांदी चल रही है वजह है अच्छे भाव सभी फसलों के भाव में तेजी देखने को मिल रही है इस रिपोर्ट में हम सरसों वजों के ताजा भाव और तेजी मंदी की चर्चा करेंगे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी सरसों की मार्केट रिपोर्ट विश्व बाजार में खाद्य तेल एवं तिलहन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली लेकिन इसके बावजूद भी घरेलू मंडियों में सरसों के दाम 50 से 150 सौ प्रति क्विंटल तक की तेजी देखने को मिली जयपुर में कंडीशन सरसों का भाव लगभग सौ रुपये बढ़कर सात हजार एक सौ पचहत्तर से सात हजार दो सौ रुपये प्रति क्विंटल हो गया सलोनी प्लाटो ने सरसों की खरीद कीमतों में पचास से एक सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की सरसों तेल एवं खल के भाव में भी तेजी देखने को मिली महेश प्लांट कोटा और महेश प्लांट अलवर ने भी खरीद कीमतों में क्रमश पचास और सौ रुपये की बढ़ोतरी की गोयल प्लांट कोटा ने भी एक सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की इसके अलावा बीपीआल मिल ने खरीद भाव सौ रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिए सरसों की आवक एवं तेजी मंदी रिपोर्ट आवक की बात करें तो कुल सरसों की आवक 10 लाख बोरी की रही जिसमें राजस्थान में पाँच दशमलव पाँच शून्य लाख बोरी मध्य प्रदेश में अस्सी हजार बोरी उत्तर प्रदेश से एक लाख पच्चीस हजार बोरी हरियाणा पंजाब से पचास हजार बोरी गुजरात से सत्तर हजार बोरी और अन्य राज्यों से लगभग एक लाख पच्चीस हजार बोरी की आवक देखने को मिली है दोस्तों जैसा कि पहले बताया जा रहा रहा था उस हिसाब से सरसों की आवक देखने को नहीं मिल रही है अब कयास यह भी लगाई जा रही है कि शायद सरसों का उत्पादन भी उतना ना हो जितना पहले बताया गया था पिछले साल में इन्हीं दिनों में लगभग पंद्रह लाख बोरी प्रतिदिन के आसपास की आवक देखने को मिल रही थी इस बार ऐसा नहीं हो रहा है जबकि बुवाई का रकबा बढ़ा है ऐसा लगता है कि बढ़ते भाव को देखकर किसान ने अपने सरसों रोकने का फैसला कर लिया है दोस्तों आजकल के बाजार में सरसों का भाव दैनिक आवक पर ही निर्भर कर रहा है जिस दिन आवक ज्यादा होती है उस दिन भाव सौ से 150 रुपए रुपये नीचे चले जाते हैं और जिस दिन आवक कम होती है उस दिन सौ से 150 रुपए रुपये की तेजी देखने को मिल रही है पिछले एक हफ्ते से लगभग यही माहौल चल रहा है दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते जो एक खाद्य तेलों का प्रेशर बना हुआ है उसका अभी तक असर जारी है और मार्केट को देखते हुए फिलहाल कोई बहुत बड़ी मंदी सरसों में दिखाई नहीं दे रही है आने वाले समय में आवक के ऊपर ही सरसों का भाव निर्भर करेगा जौ के ताजा भाव एवं तेजी मंदी रिपोर्ट जौ के भाव में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली जौ ने लंबी छलांग लगाते हुए टोप भाव ₹3490 प्रति क्विंटल का दर्ज किया जबकि आम भाव 3200 से लेकर ₹3300 प्रति क्विंटल तक देखने को मिले इस तेजी को ऐतिहासिक तेजी कहा जा सकता है जो मैं इस प्रकार की तेजी की किसी ने उम्मीद नहीं की थी सीजन का टॉप होने के बावजूद जो मैं इस प्रकार के भाव चकित करते हैं विभिन्न फसलों में तेजी का कारण अंतर्राष्ट्रीय माहौल का बिगड़ना ही बताया जा रहा है देश की कई मंडियों में जौ के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली पिछले दो दिनों में ही बाजार 300 से 400 सौ रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया है गुल मंडी में जौ का भाव तीन हजार बोला गया चोमो में अब तक के टॉप तीन हजार रुपए के भाव बोले गए जानकारों का कहना है कि जौ में काफी मांग निकल कर आ रही है और आने वाले दिनों में जौ का भाव यहां से 200 से 300 रुपए और तेज होने की प्रबल संभावना है बताया यह भी जा रहा है कि डिस्टलरी की मांग बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस यूक्रेन के कारण जौ की उपलब्धता कम होने से घरेलू बाजार में मांग बढ़ी है किसान साथियों जो का इस प्रकार का भाव काफी अच्छा भाव है और इन भावों पर अपना माल निकाल सकते हैं किसान साथियों व व्यापारी वर्ग से अनुरोध है कि आने वाले समय में फसलों के भाव बढ़ेंगे या कम होंगे अपने विवेक से ही काम लें एग्री प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली वीडियो जल्दी पाने के लिए एग्री प्रोडक्शन इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंद